दोस्तों मकान और घर कहने को समान है, लेकिन मकान ईंटों से बनता है और घर परिवार से। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? और दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे परिवारों की लिस्ट लेकर आया हूँ जिनमें से कुछ कमाल हैं और कुछ कंचा माल। सॉरी थोड़ा भावनाओं में बह गया था। लेकिन दोस्तों इसकी पूरी गारंटी है, ऐसे परिवार आपने आज से पहले नहीं देखे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी फैमिली से जो कि इंडिया से ही है। इनका नाम है रामराज, जो कि हैदराबाद शहर से हैं। क्या आपने कभी उम्मीद की थी कि किसी को इतनी परेशानी उठानी पड़ सकती है कि उसकी फैमिली में 11 में से ऐसे 9 मेंबर हों जो कि हाइट के मामले में बहुत ही कम हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए रामराज की फैमिली को। ये खुद 55 साल के हो गए हैं और बताते हैं कि उनकी फैमिली में एक तरह की बीमारी है जिससे कि उनके फैमिली मेंबर्स की हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती। दोस्तों आज उनकी फैमिली में 11 सदस्य रह गए हैं, जिनमें से 9 ऐसे हैं जो कि बहुत ही छोटे कद के हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि इनकी फैमिली में लगभग 22 लोग थे और उनमें से 18 बहुत ही छोटे कद के थे। दोस्तों आपको बता दूं कि इनके साथ बहुत ही परेशानी है, क्योंकि इनके घर को चलाने के लिए जॉब की तलाश रहती है, लेकिन क्योंकि इनका कद बहुत कम है इसलिए इन्हें कोई काम नहीं देता। कई बार इन्हें शादियों में दरबान का काम मिल जाता है। दोस्तों परेशानी तो सबके साथ आती है, लेकिन समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर कोई कद में छोटा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फैमिली हमारे ही देश इंडिया की है। इस परिवार का नाम है चना फैमिली। जी हाँ, आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े परिवार से मिलाने जा रहे हैं। मिजोरम में दुनिया का सबसे बड़ा परिवार रहता है, जिसके 181 सदस्य 100 कमरों के मकान में एक साथ रहते हैं। घर के मुखिया जियो ने अपनी 39 पत्नी, 14 बहुओं और 35 पोता पोती के अलावा अपने एक नए पोते के साथ बड़े प्यार से रहते हैं। इन्होंने शादी कर ली। आपको बता दें कि अपने बेटों के साथ बढ़ाई का काम करने वाले जियो का परिवार मिजोरम के खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में बट गाँव में एक बड़े से मकान में रहता है। इस मकान में कुल 100 कमरे हैं। जियो ने अपने परिवार के साथ 100 कमरों में जिस मकान में रहते हैं उसमें बड़े से रसोई घर के अलावा सबके लिए पर्याप्त जगह है। और जियो ना अपने परिवार को बहुत अनुशासन से चलाते हैं। खाना बनाने से लेकर घर के बाकी कामकाज सब मिलकर करते हैं। परिवार की महिलाएं खेतीबाड़ी करती हैं और घर चलाने में भी योगदान देती हैं। चाहे जियो ना चाइना की सबसे बड़ी पत्नी मुखिया की भूमिका निभाती हैं और घर के सभी सदस्यों के कार्य का बंटवारा करने के साथ ही कामकाज पर नजर भी रखती हैं। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहां एक दिन में 45 किलो से ज्यादा चावल, 30 से 40 मुर्गे, 25 किलो दाल, दर्जनों अंडे और 60 किलो सब्जियों की जरूरत होती है। इसके अलावा इस परिवार में लगभग 20 किलो फल की भी हर रोज खपत होती है। इलाके की सियासत में भी चना परिवार का अच्छा खासा दबदबा है। एक साथ एक ही परिवार में इतने सारे वोट्स होने की वजह से तमाम नेता और इलाके की राजनीतिक पार्टियां जियो ना चाइना को अच्छा खासा महत्व देती हैं, क्योंकि स्थानीय चुनाव में इस परिवार का झुकाव जिस पार्टी की तरफ होता है उसे ढेरों वोट्स मिलना पक्का है। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज परिवार अपने आप में एक पूरा गांव है। बात करें तो सुनने वालों की कमी नहीं है, मैच खेलने जाएं तो देखने वालों की कमी नहीं, और कहीं एक साथ बैठ जाएं तो अपने आप में मेला और तैयार हो जाता है। दोस्तों इनको देखकर लगता है कि वाकई में इनकी फैमिली के साथ जो 6 महीने का वक्त बिता लेगा उसकी मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं होगी। दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपको आगे मिलवाएंगे उस फैमिली से जिनकी घर की हर औरत ने अपने ब्रेथ्स के साइज को प्लास्टिक सर्जरी की मदद से बहुत बड़ा कर लिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि वैम्पायर इस दुनिया में नहीं होते? आपको क्या लगता है कि वो दिखाई नहीं देते? आपको हॉलीवुड की फिल्म ट्वाइलाइट तो याद होगी। दोस्तों इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि कैसे वैम्पायर इंसानों के बीच रहते थे और इंसानों का खून चूसते थे। लेकिन दोस्तों आज जो हम दिखा रहे हैं वो हो सकता है कि आपके पैरों तले जमीन खिसका दे। जी हां दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये कहानी 100% सच है, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों इनसे मिलिए, ये है इंग्लैंड का एक कपल जो कि अपने आप को एक वैम्पायर कहते हैं। जी हां दोस्तों, क्या कहना है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये दोनों वैम्पायर्स हैं। दोस्तों क्या आप यकीन भी कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का खून भी पीते हैं, और कहते हैं कि इससे इनका रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। बहुत सारे शादीशुदा लोग कहेंगे इसमें नया क्या है, बट एक्चुअली ये सच में पीते हैं एक दूसरे का खून। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन ये बात सच है कि इनकी मुलाकात एक सोशल मीडिया साइट के जरिए हुई थी, लेकिन आज ये दोनों एक दूसरे के लिए ही जीते हैं और मरते हैं। इन दोनों का कहना है कि ये वैम्पायर थे और नहीं ये बात करते हुए कोई शर्म नहीं आती। दोस्तों इनका कहना है कि हमारे बीच बहुत सारे वैम्पायर आज भी रहते हैं, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि समाज इन्हें अलग कर देगा। दोस्तों इनका कहना है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो बैंक में काम करते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो नेता हैं, कई लोग और कुछ काम करते हैं, लेकिन वो सब वैम्पायर्स हैं भाई। आपको क्या लगता है कि ये सब सच बोल रहे हैं? क्या हमारे बीच वैम्पायर मौजूद हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं मार्शल फैमिली से। जी हां दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फैमिली दुनिया में क्यों है सबसे अलग। दोस्तों इस दुनिया में कुल 5 महिलाएं हैं और सबने अपने ब्रेस्ट को इनहेंस करवाया है। जी हां दोस्तों, इस परिवार में मां के अलावा 4 बेटियां, और मां ने फैसला किया है कि बेटियों के ब्रेस्ट साइज को बढ़ाया जाए। दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने अब तक कुल मिलाकर 3 बार ब्रेस्ट सर्जरी करवाई है। जी हाँ दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर, लेकिन कई बार ये बात तो समझ में नहीं आती कि आखिर क्यों अपने नेचुरल ब्रेस्ट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश किया जाता है। दोस्तों आप खुद ही देखिए इनकी माँ अपनी बेटियों को लेकर कितना प्राउड फील कर रही हैं। इनकी माँ का कहना है कि ब्रेस्ट बढ़ाना यानी कि लड़कियों की खूबसूरती को बढ़ाने के बराबर है।
इस दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग रहते हैं, सबकी अपनी अलग ही सोच है कि नहीं दोस्तों। अब हम आपको मिलवाते हैं बेबी डॉल्स से। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने इन्हें हमारे चैनल पर पहले भी देखा होगा। ये हैं रूप की रानी और इनके साथ जो हैं वो हैं चोरों का राजा। नहीं है, ये इनका बॉयफ्रेंड है। इन दोनों को देखिए, आपको नहीं लगता कि ये दोनों थोड़े बनावटी हैं? मुझे देखकर तो लग रहा है कि ये इंसान कम प्लास्टिक ज्यादा है। पहले आप इस लड़की को देखिए, जिसने परफेक्ट बॉडी पाने के चक्कर में ना जाने कितनी बार ऑपरेशन करवाए, ना जाने कितनी मर्तबा प्लास्टिक सर्जरी करवाई। कहते हैं ना कि आप अपने शरीर को अपने हिसाब से रखें तो ठीक होता है, लेकिन इन दोनों ने तो अपने शरीर को प्लास्टिक बना दिया है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दोनों ने मिलकर अब तक 100 से ज्यादा बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? जी हाँ दोस्तों, ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत कपल है। हालांकि दोस्तों, इन्हें कोई समझाए कि खूबसूरती तो नेचुरल होती है, प्लास्टिक की कोई खूबसूरती नहीं। वह इस लड़के के लिप्स को देखिए जरा, ऐसा लगता है ये लिप्स नहीं कुछ और ही नजर आ रहे हैं। कमाल के लोग हैं इस दुनिया में। हालांकि दोस्तों, ये दोनों खूब पैसा कमा रहे हैं, इन्हें डेरो मॉडलिंग के ऑफर्स मिल रहे हैं और साथ ही दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर तरह तरह का काम भी शुरू किया है। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं तेरेलिन रसल फैमिली से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस परिवार में कुल 4 लड़कियां यानी कि इनकी माँ हैं और 3 बेटियां हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ही अपनी माँ के साथ अपने बालों को खूब लंबा कर रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लंबे बाल का रिकॉर्ड अगर किसी के सामने है तो वो इसी फैमिली के नाम पर है। दोस्तों, ये चारों ही अपने बालों का बहुत ख्याल रखते हैं। कहा तो जाता है कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज अपना ब्रांड एम्बेसडर ही बनाना चाहती हैं। दोस्तों, बात तो सही है, अगर आपके बाल इतने लंबे हैं तो आपको लोग अप्रोच करेंगे ही। दोस्तों, ये देखिए, इनके बालों की लंबाई ये कोई छोटी बात नहीं है, वाकई में बहुत मेहनत लगती है। इनके बालों को बढ़ाने के साथ ही आपको यही बता दें कि ये 3 लड़कियां अपने एजुकेशन भी बहुत बढ़िया कर रही हैं। कहने का मतलब है कि ये लड़कियां ऑलराउंडर हैं। वाकई में दोस्तों, इनके बालों को देखकर लगता है कि काश दुनिया में हर औरत के बाल ऐसे ही होते। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो और हमारे इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग फैमिली कौन सी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।